CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बंजारन। ये कार्यक्रम इन शब्दों पर आधारित है, रिमझिम बूंदाबांदी। आलेख विभा देवसरे का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई लो अब बातचीत करो बंजारन से। बताने लाई हूँ मैं एक पिटारा जादू का। नहीं नहीं ये बड़ा अजब है। सांपने वाला। नहीं नहीं ये बड़ा गजब है। ठुमक ठुमक ठुम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम। मैं बंजारन नाचू गाऊ। बच्चों तुम भी नाचो गाओ, तुम भी नाचो गाओ, ताली पीटो पीटो ताली। वाह वाह कितने अच्छे हो तुम। बच्चों नमस्ते। अरे भाई जोर से बोलो। हाँ ये कोई बात हुई ना। हाँ तो बच्चों अब कहो क्या हालचाल है। अब तो तुम्हें याद हो गया होगा कि कपड़ा मीटर से नापते हैं, दूध जैसी पतली चीजों को लीटर से नापते हैं, और अगर कोई चीज तोलनी हो तो किससे तोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बताया, तराजू में किलोग्राम के बाट से। भाई बंजारन ये आज आते ही क्या तोलने नापने की बात करने लगी। अरे भैया पोपट लाल मैं तो इन बच्चों से कल वाले खेल की बात कर रही थी। भाई कल की बात कल खत्म हो गई। अच्छा आज तो कोई नया खेल खिलाओ। अच्छा भाई ठीक है। लो बच्चों खेली खेल में मुझे तो सर्कस का एक खेल याद आ गया। एक बार ऐसा हुआ बच्चों कि हमारे तंबू के पास ही खुली जगह में सर्कस वालों ने भी अपना बहुत बड़ा तंबू गाड़ दिया। तो एक दिन मैं भी सर्कस को देखने पहुंच गई। अरे बड़ा मजा आया उस सर्कस को देखकर। एक लंबी लंबी टांगों वाला जोकर, तो दूसरा छोटा जोकर जो कलाबाजियां दिखा दिखा कर सबको खूब हंसा रहा था। Thank you.
अचानक क्या हुआ बच्चों, मालूम है? हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सब लोग उस बूंदाबांदी से परेशान होने लगे कि कहीं अब जोर की बारिश ना शुरू हो जाए, सब लोग भीग जाएंगे। लोग सोचने लगे कि अब इस बारिश से कैसे बचा जाए। तो बंजारन, तुम भी डर गई होगी उस बूंदाबांदी से। मैं भला उस छुटपुट बूंदाबांदी से क्यों डरती? हाँ, अरे हम बंजारे तो हर समय इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। अगर हम बूंदाबांदी से ही घबरा जाएं तो भला हमारा काम कैसे चले? हाँ हाँ, तो बच्चों, मैं तो सर्कस में बैठी रही अपनी जगह पर और बूंदाबांदी होती रही। अरे बूंदाबांदी की बात पर तो मुझे एक गाना याद आ गया, तुम सुनोगे? अच्छा लो सुनो। टप 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 टप, नन्ही नन्ही बूंदे गिरती। टप 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 टप, नन्ही नन्ही बूंदे गिरती। बूंदाबांदी होती है, बूंदाबांदी होती है, जरा देर तक बरस बरस कर, जरा देर तक बरस बरस कर, बूंदाबांदी चुप होती है। टप 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 टप। अरे बंजारन, ये गाना ही गाती रहोगी क्या? सर्कस में क्या देखा ये तो बताओ। ओफो, तुम फिर बीच में टपक पड़े पोपटलाल। अच्छा लो, मैं तो चुप हो जाता हूँ। चलो तुम ही बोलो। हाँ हाँ बोलती हूँ। हाँ तो बच्चों, सर्कस में बड़ी मजेदार चीजें देखी मैंने। अरे भालू साइकिल चला रहा था, कुछ लड़के और लड़कियां तरह तरह की कलाबाजियां दिखा रहे थे। तभी जोर से शेर दहाड़ा। मैं तो भैया बहुत घबरा गई कि कहीं छलांग लगाकर मेरे ऊपर ही ना आ जाए। हाय, लेकिन शेर तो लोहे के कटघरे में बंद था। ये देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसके बाद आया हाथी। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे। वो बड़े मजे से अपने अगले दो पैरों को ऊपर करके खड़ा हो गया और नाचने लगा, छम छम छम। नाच खत्म होने पर उसने अपनी सूंड ऊपर करके सबको सलाम किया। ये देखकर मैं जोर से बोली, सलाम हाथी भाई। मेरी आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग हंसने लगे। अब तुम ही बताओ बच्चों, इसमें भी कोई हंसने की बात थी क्या? अरे बंजारन, भला इतने लोगों के बीच चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अगर हाथी भाई को सलाम करनी ही थी तो भैया अकेले में कर लेती। लो, ये सलाम करना भी कोई चोरी है क्या जो चुपचाप करती? बस तुम चुप रहो पोपटलाल। हाँ तो बच्चों, जैसे ही सर्कस खत्म हुआ तो क्या हुआ मालूम है? अरे बूंदाबांदी होते होते रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई। लोग तो भागा दौड़ी करने लगे, लेकिन मैं तो आराम से खड़ी रही। रिमझिम बारिश से मैं भला क्यों घबराती? बड़ी बहादुर हो ना। और नहीं तो क्या, हाँ, कोई मिट्टी की थोड़े ही बनी हूँ जो रिमझिम बारिश से मैं गल जाती। अरे तुम वहां होते तो अपनी पगड़ी संभालते हुए भागते। मुझे तो रिमझिम बारिश में बड़ा ही मजा आता है, और जब बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ती हैं तो मेरा मन करता है कि मैं खूब नाचूं, खूब नाचूं, खूब नाचूं। अरे नाच नहीं बंजारन। हाँ? तुम तो एक गाना सुना दो इन दोस्तों को। अच्छा?
रिमझिम बारिश का? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर 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 सुनाऊंगी। लो सुनो बच्चों। रिमझिम बरखा बरसे, बड़ी सुहानी होती है, बड़ी सुहानी होती है। नन्ही बूंदें देर देर तक, नन्ही बूंदें देर देर तक, झमझम करती गिरती है, झमझम करती गिरती है। रिमझिम बरखा बरसे, रिमझिम बरखा बरसे। भाई वाह बंजारन, मान गए तुम्हें, गाना तो बड़ा ही अच्छा है तुम्हारा। अरे हाँ, फिर उस दिन आगे क्या हुआ? लो आगे क्या होना था, बस अब मैं आ गई अपने ठिकाने पर। अरे लो, मेरा तो जाने का समय भी हो गया, कल फिर मिलूंगी तुमसे। नमस्ते। भाई वाह दोस्तों, मजा आ गया। आज तो बंजारन ने सचमुच बड़ी मजेदार बात बताई। लेकिन हाँ, आज जो तुम्हें बंजारन ने गीत सुनाया था, उसी से मिलता जुलता एक और गीत तुम्हें सुनवा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ये गीत तुम्हारे ही जैसे छोटे छोटे दोस्तों ने गाया है। लो सुनो। तो दोस्तों, तुमने सुना ये गीत और अब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।